अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे 5x5 टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक क्या है, 5 का मतलब क्या है, 55 का मतलब क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं। 5 का मतलब जमीन, आग, पानी, हवा, खला, जो हमारी नेचर है। और 55 का क्या मतलब है, न्यूरोलॉजी में 55 का मतलब है हमारी पर्सनल ग्रोथ को एक मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना और उसके बाद जो भी हम चाहते हैं वो हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? और ये जो 5x5 है, इसकी बेस क्या है, ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, ये एक मैनिफेस्टेशन और एक अफर्मेशन है। कैसी अफर्मेशन, कैसी मैनिफेस्टेशन? अफर्मेशन का मतलब है सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक आसान से जुमले जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं ताकि ये सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो सके, और जब ये ट्रेन होता है उसके बाद इसका एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। अब ये कैसे होगा, 5 दिन 5 स्टेप ये आपके साथ आज शेयर किए जाएंगे जिससे आप अपने किसी भी मकसद को हासिल कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? आपने वाइब्रेशन स्टेटमेंट के बारे में तो सुना होगा। वाइब्रेशन स्टेटमेंट क्या है कि हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारी दोस्ती हो जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हर इंसान के अंदर कशिश है, और ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के अंदर जो हम चीज सोचें उसमें कशिश ना हो, हर चीज में कशिश है और कशिश के जरिए आप किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में आपके साथ 5 स्टेप्स शेयर किए जाएंगे जिसमें नंबर 1 स्टेप है कि आप सोचें कि आपको क्या चाहिए, आप क्लियर हो जाएं। मिसाल के तौर पे अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको गाड़ी का कलर भी पता हो, शेप भी पता हो, कंपनी भी पता हो, आपको कंप्लीट पता हो कि गाड़ी मुझे कैसे चाहिए। जितना आप क्लियर होगी उतनी जल्दी ये स्टेप अमल में आएगा। नंबर 2 स्टेप की तरफ चलते हैं कि आपने सोच लिया कि आपको क्या चाहिए, अब उसके बाद आपने जो सोचा उसको एक स्टेटमेंट में लेके आना है। वो स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, अफर्मेशन होनी चाहिए। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अफर्मेशन क्या है, कि सिंपल पॉजिटिव, और अगर इसमें ग्रेटिट्यूड आज से ही आ जाए तो फिर तो ये स्टेप बहुत ही जल्दी असर करेगा। लेकिन कैसे? नंबर 2 स्टेप के बाद जब आपने अपने माइंड में सोच ली स्टेटमेंट, अब आपने उस स्टेटमेंट के सोचने के बाद उस अफर्मेशन, उस जुमले को जब बना लिया, सादा जुमला बना लिया, उसके बाद आपने एक जगह को मुकर्रर कर देना है, उस जगह के साथ साथ आपने एक टाइम भी मुकर्रर कर देना है। हम इंसान हैं और हमारी एनर्जी सबकी मुख्तलिफ होती है, किसी की एनर्जी ज्यादा होती है सुबह के टाइम, किसी की दिन के टाइम, किसी की रात के टाइम। जो आपको टाइम सूटेबल लगता है, जो आपको जगह घर में सूटेबल लगती है, बाहर लगती है, आप वो जगह मुकर्रर कर दें, टाइम मुकर्रर कर दें। उसके बाद आप स्टेप नंबर 4 में आ जाएं कि आपने उस एफर्मेशन को, जो आपने जुमला बनाया उसको आपने लिखना है। अब किस तरह लिखना है, कितनी बार लिखना है, 55 बार आपने लिखना है, 55 बार लिखना है। तो 55 पर लिखने से क्या होगा, किस तरह लिखे, किस पे लिखे, आपने पेन इस्तेमाल करना है लिखने के लिए और साथ में डायरी। पेन जैसा मर्जी हो, ब्लू, ब्लैक, रेड, जैसा भी हो, लेकिन डायरी जो हो वो लाइनों वाली हो और जिस ऐसी हो जिसमें आपको आसानी हो। और जब आप लिख लेंगे और लिखने के बाद अब आपने आखिरी स्टेप की तरफ, आखिरी स्टेप से पहले पहले कुछ स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर कर दूं कि क्या ये काम करेगा। अब जब ये दिमाग में आएगा कि क्या ये काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें इस अमल के लिए सबसे जरूरी है बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, अपने आप पे यकीन होना। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन अपने आप पे जब यकीन होगा तो ये होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्टेप नंबर 5 ये है कि आपको अपने आप पे यकीन रखना है और आगे कदम बढ़ा देना है। कैसे कदम बढ़ाना है, जैसे ही आप 55 दफा 5 दिन अपनी जो भी आपका मकसद है, ड्रीम है, डिजायर है, उसको लिखेंगे अफर्मेशन की शक्ल में, एक जुमले की शक्ल में, एक आसान जुमले की शक्ल में, तो आपने लिखने के बाद उस डायरी को कहीं रख देना है, ऐसी जगह पर रख देना जहां हर बंदे की पहुंच ना हो। और जब आप लिख लेंगे आपको यकीन रखना है, और यकीन रखने के बाद आपको कदम बढ़ा देना है, और जैसे ही आप कदम बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपको वो चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे, दरवाजे खुलने लग जाएंगे, लेकिन आपको हार नहीं। ये आपका जो मकसद है, ड्रीम है, डिजायर है, ये एक तरीके से रुक सकता है जब आप हार मानेंगे। अब जब आप कहेंगे कि बस अब मैं और आगे नहीं जा सकता, तो वहीं पे ये ड्रीम खत्म हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और, तो आप अपने मकसद को हासिल करेंगे, सिर्फ एक एक्शन। इसी तरह हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।